हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ साइंस सीरीज में। आप मुझे देख रहे हैं साइंस कक्षा यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। काफी लंबे टाइम से हम ये बेसिक्स ऑफ साइंस सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें कि हम आपके बहुत ही बेसिक्स के साथ जो है डील करना शुरू कर रहे हैं। और इसमें हमने बहुत कुछ ऑलरेडी डील किया है, जैसे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, ये सब में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डील किया है। तो आप चैनल पर विजिट करके, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को भी विजिट करके आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की, ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो देखिए कोई भी अगर हम सेल कंसीडर करते हैं, तो सेल में आपने ऑलरेडी पुराने जो क्लासेस हमारी हुई हैं उसमें हमने देखा है कि सेल के चारों तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और अगर ये केस जो है प्लांट सेल का है, तो वहां पे आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगा, राइट। तो प्रोटोप्लास्ट हमें कैसे मिलता है और या प्रोटोप्लास्ट हम किसे कहते हैं, तो देखिए प्रोटोप्लास्ट जो है एक आइसोलेटेड सेल है विच इज डिवाइड ऑफ सेल वॉल। यानी प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा सेल है जिसमें कि कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यानी अगर आप एक सेल को ट्रीटमेंट दें किससे, ऐसे एंजाइम से जो कि सेल वॉल को डिग्रेड कर सकते हैं, एंजाइम यानी प्रोटीन। तो अगर आप एक सेल को ऐसे प्रोटीन के साथ ट्रीटमेंट दिलवाएं, या फिर आप एक सेल को एक प्रोटीन से जो है एक्सपोजर दिलवाएं, तो उस सेल का सेल वॉल जो है डिग्रेड हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। ऐसे सेल को जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, ऐसे सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो प्रोटोप्लास्ट आर आइसोलेटेड सेल विच इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट आर प्लांट सेल दैट हैव हैड देयर सेल वॉल रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलैटिक एंजाइम। मेनली क्योंकि हम प्लांट के केस में देखें तो हमें सेल वॉल मिलता है, एनिमल के केस में हमको सेल वॉल नहीं मिलता है। तो अक्सर जो है प्रोटोप्लास्ट का जो प्रिपरेशन होता है वो हम प्लांट सेल के साथ करते हैं, राइट। तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब दूसरा वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमने प्रोटोप्लाज्म पहले भी डील किया है, हमने इसे कंपेयर किया था न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के साथ। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस का मिलके बना होता है, जिसमें कि लिविंग मैटर पाए जाते हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल के। और सिंपल भाषा में कहें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर आप मिला देते हो, दोनों को एक साथ कंसिडर करते हो, तो आपके पास जो मिल बनता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल का साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसे मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ जो है सेल वॉल प्रेजेंट है। तो मान लीजिए अगर आप इस सेल वॉल को लाइसोजाइम एंजाइम से ट्रीट करते हैं और सेल वॉल का रिमूवल कर देते हैं, तो सेल वॉल देखिए आखिरी जो लेयर है वो रिमूव हो गई, तो हमारे पास अब ये जो सेल बन के आया है इसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। यानी दिस इज अ सेल विच इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। यानी ये एक ऐसा सेल है जिसके पास कोई सेल वॉल अब प्रेजेंट नहीं है, राइट। दूसरी तरफ हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो हमको पता है साइटोप्लाज्म में हमें जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनली, सेल फ्लूइड, ये सब के कॉम्पोजिशन से हमें साइटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में हम कभी न्यूक्लियस कंसिडर नहीं करते हैं, सेल कंसिडर करते हैं। सेल में से अगर हम न्यूक्लियस को हटा देते हैं तो हमारे पास जो मिलता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन अगर आप इसी साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को एक साथ कंसिडर करते हैं तब हमको मिलता है क्या, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी सारी की सारी ऑर्गेनेल्स, फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चली आती है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बेसिक्स में अब आपके जो है कोई इश्यू नहीं रहेगा कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। थैंक यू फॉर विजिटिंग साइंस कक्षा। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। एंड ऑफ कोर्स उस बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।